जहां पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं गोरखपुर के रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की छात्राओं ने हॉस्टल के अंदर और बाहर की गंदगी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से हॉस्टल की छात्राओं को प्रतिदिन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यहां ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और ना ही सफाई की व्यवस्था है। हॉस्टल की वार्डन से शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं करती। गेट से बाहर निकलते ही कूड़े का अंबार सामने नजर आता है। बदबू से बीमारी हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हॉस्टल की छात्राओं ने कहा कि कुलपति हॉस्टल की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे छात्राएं बीमार पड़ रही हैं। इस संबंध में जब गोरखपुर न्यूज संवाददाता से चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने बात की तो उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को कुलपति को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ये देखिए पूरी गंदगी फैली हुई है। कौन से स्वच्छता अभियान के हम संकल्प लेते हैं, आज गांधी जयंती के दिन पानी यहाँ रुकवाते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कितने महक आ रही है। हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो है गंदगी। बाहर गंदगी, अंदर गंदगी, रूम के बाहर गंदगी, रूम के अंदर गंदगी, ऑफिस में गंदगी, हर जगह गंदगी। चलिए हम लोग अपने रूम की गंदगी साफ कर देते हैं। वो गंदगी आती है बाहर, फिर वो बाहर की गंदगी यहाँ फेंका जाता है, फिर हम लोग बाहर जाते हैं उसी में सांस लेते हैं, उसी में जिंदा है किसी तरह। यहाँ पे बीमारियों की भरमार है, टाइफाइड है, मलेरिया है। यहाँ पे लोगों का विजन खराब हो जा रहा है यहाँ आके। ऐसी ऐसी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। पीने के पानी के नाम पे एक्वा गार्ड है जिसमें है पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो अंदर जाके बड़े पत्थर बनाते हैं। फिर कहा जाता है कि जिम्मेदार हम लोग हैं क्योंकि हम लोग बाहर से पानी खरीद के नहीं पीना है। अच्छा ऐसा था तो फिर हम लोग अंदर किस लिए है यहाँ पे? हम लोग यहाँ शांति से बैठे हुए थे, बस अपनी मांगों को लेके, बस शांति से, क्योंकि गांधी जयंती शांति प्रिय इंसान है तो हम लोग भी शांति से बैठे थे। फिर हमारी आई मैडम, वो बोली कि दरवाजा बंद करो, फिर वहां से दरवाजा बंद करो। यहाँ पे जो है जो विश्वविद्यालय है, तानाशाही हम लोग के ऊपर सदियों से करती आ रही है, और इस समय भी सोची कि हम लोग तानाशाही से हम बहने अलग अलग हो जाएंगे, हम लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम सभी को ये परेशानी है। हम सब यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी है धूप में जल रहे हैं 8 बजे से, और जलते रहेंगे, तब तक जलेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद। सौम्या गौर। देखिए हम लोग बस ये की मांग रख रहे हैं कि हमारी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे हमें वंचित किया गया है, ये प्लीज 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 हमें दिया जाए। पीने का पानी नहीं है, सफाई नहीं है, टॉयलेट ब्लॉक है। आप ये बताइए कि अगर आदमी 2 दिन टॉयलेट ना जाए, मैं DDU प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2 दिन टॉयलेट ना जाए प्रशासन का इंसान, तो उसका हालत क्या होता है? और मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ और अपने बल पे कह रही हूँ कि यहाँ एक एक बच्ची से आप पूछ लीजिए, क्या वो डेली टॉयलेट जा पाती हैं? पूछिए इनसे, ये जा पाती हैं? क्या कोई सुबह सुबह जिसका कॉलेज है क्या कोई सुबह नहा के जा पाता है? कितना बता दो, इतना बता दो, जिसको भी टाइफाइड हुआ है वो किस वजह से हुआ है? पानी की वजह से। क्या DDU प्रशासन कभी कहा है कि RO लगवाएंगे? आप बताइए, ये तो दिक्कत। क्या कभी यहाँ का कूड़ा आज तक साफ हुआ था? अब आप बताइए, यही है यहाँ पर दिक्कत, आप देख रहे हैं ना। अब आप बता दीजिए कि इससे ज्यादा मूलभूत जरूरी क्या है? VC सर हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन VC हमारे यहाँ पर आने वाले में से है नहीं, ना ही कभी आते हैं। सुपरिटेंडेंट हमारी आई थी जो कि एक बहुत ही गलत बयान देखे गई है कि आपने लिख करके यहाँ पे आई थी कि आपको पानी और सफाई मिलेगा, और ना हमने आपको लिख करके दिया है। तो इन सारी चीजों से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें इन सारी चीजों से हटा करके DDU प्रशासन ठीक नहीं कर रहा है। हमारे अंदर आज 2 अक्टूबर, आज 150वीं जो जन्मतिथि हम लोग मना रहे हैं गांधी जी की, इससे हमारे अंदर 150 साल बाद हमारे अंदर एक ज्वाला भड़की है, और इस ये ज्वाला कब तक
चलती रहेगी जब तक हमारा अस्थायी इलाज नहीं किया जाएगा। देखिए, बच्चियों का छात्रावास है रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास, जहाँ लगभग 1000 लड़कियाँ रहती हैं, और ये सामने थोड़ी ज़मीन है जो बाहर, इसमें काफ़ी गंदगी है और काफ़ी दिन से बच्चियाँ कह रही हैं, यहाँ के वार्डन ने भी लिख के प्रशासन को दिया है, लेकिन गंदगी हट नहीं पा रही थी। और आज सवेरे 10 बजे ये बच्चियाँ और कुछ इसके समर्थक बच्चियों के लड़के भी हैं वो भी आ गए इसमें, तो हमने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी चेता दिया था कि ये गंदगी हटनी चाहिए। और कल ही, आज के पहले कल ही माननीय कुलपति जी को अवगत करा दिया था इस बात से कि वहाँ की सफाई डेली बेस पर होनी चाहिए और वो बहुत ही गंदगी है, तो आज तो ये सफाई हो गई। हमारी कुलपति जी से आज फिर बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि कल जो आसपास के संबंधित लोग हैं जो यहाँ हमारे गेट के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं, मैं उनको कहूँगा और जिला प्रशासन को भी लिखूँगा, और जो संबंधित लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया यहाँ गंदगी न करें। और आज अभी भी लड़कियाँ इस मांग पर अड़ी हुई हैं कि जब तक हमारे कुलपति जी यहाँ आकर के हमारी समस्या को नहीं देखते हैं, इसका हल नहीं करते हैं, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। मैं भीषण गर्मी है, इन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग आज धरना स्थगित कर दीजिए, और कुलपति जी ने आश्वासन दिया है कि कल से जो है ये डेली वेज सफाई का काम जो है शुरू हो जाएगा और इसको ठीक करेंगे।